वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल माई डियर ऑल फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मथुरा सिटी के पास में एक शहर पड़ता है कासगंज, तो वहाँ पर बहुत ही प्यारा सा गंगा जी का घाट है, वहाँ से गंगा जी रिवर निकलती है। तो एक तो घाट है वहाँ पर कचला घाट और एक घाट है वहाँ पर सोरो घाट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कचला घाट। तो अभी मैं हूँ मथुरा से और हाथरस जाने वाले उस रूट पर। तो ये मथुरा से और हाथरस की तरफ रूट जाता है, तो अपने दोस्तों के साथ में मैं आया हुआ हूँ। तो यहाँ से अभी हम जा रहे हैं अपना हाथरस होते हुए कासगंज। कासगंज शहर लगता है, कासगंज में गंगा रिवर है। तो चलते हैं सीधा गंगा स्नान के लिए और गंगा जी के दर्शन मैं आपको आज के इस वीडियो में कराने वाला हूँ। बहुत ही लंबे टाइम के बाद में मैं फिर से ब्लॉगिंग करने के लिए निकला हुआ हूँ। तो आज छुट्टी का दिन था, तो फिर हम आज निकल रहे हैं अपना 4-5 दोस्तों के साथ में हम लोग जा रहे हैं। ये रोड है मथुरा से राया मुरसान होते हुए सीधा हाथरस के लिए निकलता है और फिर कासगंज। तो अपने दोस्तों के साथ में, ये चारों दोस्त हैं हमारे, इनके साथ में हम जा रहे हैं अपनी फोर व्हीलर से, जिसपे देसी ट्रेवलर यूट्यूबर लिखा हुआ है चैनल का नाम। और ये रोड है, मौसम बहुत ही शानदार हो रहा है, आज ट्यूजडे है 19 जुलाई। तो सीधा निकलते हैं यहाँ से हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ और आपको भी इंजॉय कराते हैं आज के इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखिएगा साथियों, आपको डेफिनेटली मजा आएगा वीडियो देख करके। तो साथियों, अभी हम कासगंज शहर के अंदर आ चुके हैं और सोरो घाट के नज़दीक हैं। हालांकि हमें जाना है कचला घाट, तो ये पॉइंट है, इसके पास में ही सोरो घाट है। यहाँ से थोड़ा सा ही डिस्टेंस पे है आपका कचला घाट। तो अब से 1-2 मिनट में हम पहुँच जाएंगे कचला घाट और दर्शन कराते हैं आपको माँ गंगा के। ऐसा कुछ नज़ारा है, काफ़ी सारे श्रद्धालु दिख रहे हैं जो कि कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों के साथ में हम आए हैं कचला घाट स्नान करने के लिए। ये भी है, तो क्या नाम है भाई आपका? बनीतेज। बनीतेज, और आपका क्या नाम भैया? लोकेश गोस्वामी। मनीष गोस्वामी। तो ये चार हर हर गंगे दोस्तों के साथ में हम लोग अभी आए हुए हैं कचला घाट स्नान करने के लिए, तो बहुत ही आनंद आ रहा है। आ गए नदी में, गंगावारी नदी में। धोनी भाई, मनीष भाई, ओ मनीष भाई, धोनी भाई, ओ मनीष भाई। क्यों, अब हम आ चुके हैं कचला घाट कासगंज गंगा जी स्नान के लिए और अभी गंगा माता में ही स्नान कर रहे हैं। सामने ये घाट बना हुआ है। 1 मंथ अप्रोक्स पहले भी मैं आया था तो इसमें पानी बहुत कम था, क्योंकि अभी सर्दी का टाइम, बरसात का टाइम है, तो वाटर का जो लेवल है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। रिवर के एक पार से दूसरे पार अब हम जा रहे हैं। पानी तो गहरा नहीं है, घुटने घुटने के बराबर है, बट फ्लो बहुत फास्ट है। ये देखिए नदी के एक छोर से और दूसरे छोर की तरफ जाते हुए, बड़ा ही आनंद भरा ये दृश्य है। श्री गंगा जी में स्नान करते हुए कचला घाट पर
मैं हूँ। जय हो गंगा मैया की। बहुत ही आनंद आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी ये लोकेशन है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है, काफ़ी टूरिस्ट आते भी हैं, तो आप भी आ सकते हैं यहाँ पर यदि आसपास में आप रहते हैं तो। मथुरा से मात्र 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये लोकेशन है। साथियों श्री गंगा स्नान करते हुए जय हो गंगा मैया की। पानी का लेवल बढ़ गया, नहीं तो मैं पहले रिवर में करीब 300-400 मीटर अंदर जाकर के बैठ के आराम से नहाया था, और अभी तो एकदम बिल्कुल किनारे पर ही स्नान कर रहे हैं हम। उस दिन एकादशी थी तो आज नॉर्मल ही क्राउड है। ये हमारे साथ में हमारे दोस्त हैं पंडितेज। नदी को क्रॉस करते हुए घुटने घुटने पानी और पानी का बहाव बहुत तेज। आज के गंगा स्नान उम्मीद करता हूँ कि साथियों सभी को पसंद आए होंगे। पानी का बहाव बहुत तेज है, मेरा भी हाथ पकड़ लो भाई। ओ भैया अरे आ जाओ हम आपको बचाऊंगा क्योंकि हमें खुद तैरना नहीं आता है। अभी समस्या ये है कि पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है और हमें दूसरे छोर पे जाना है। गहरा तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, तो बस 1-2 मिनट में आप पहुंचते हैं और यहीं पे समाप्त करेंगे आज के इस वीडियो को। थोड़ा बहुत और व्यू है, थोड़ा पास में मंदिर वगैरह बने हुए हैं तो वो भी दिखा देंगे आपको। परमानंद आज के रिवर को हम क्रॉस कर रहे हैं, रिवर के उस साइड से और हम जा रहे हैं वहां पर। पैरों के नीचे पानी ऐसा है कि पैर रखते ही मिट्टी अंदर को धस जा रही है, तो मजा भी आ रहा है बहुत ज्यादा। थोड़ा सा 0.10% रिस्क फैक्टर भी है, हालांकि चारों लोग एक साथ में रिवर क्रॉस कर रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है। आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये डेंजर है, खतरे से भरा हुआ है ये, मतलब ये लेकिन हमारे पर इन भैया को तैरना आता है, तैरना आता है, तो के खिलाड़ी। और वो बंदर कौन है पीछे? ओ भैया बह जाएंगे रे। अभी हम गंगा जी को क्रॉस करके एक आइलैंड टाइप टापू टाइप में बना हुआ है उस पर आ गया हूँ, और छोटी सी एक धारा है इसकी, इसको क्रॉस करके जस्ट घुटने घुटने के बराबर पानी था तो यहाँ पर आ गए हैं। और ये पूरा पीछे का नज़ारा है शानदार, मौसम बहुत शानदार हो रहा है। तो ये लोकेशन है बड़ी प्यारी, बड़ी शानदार, बड़ी मनमोहक। नदी के बीचों बीच ये एक टापू है जिस पर चारों लोग लाइन से आ रहे हैं और देखना चाहते हैं कि कितना बड़ा ये टापू है और कैसा अगल बगल में है, नदी कहाँ तक है। तो नदी के बीचों बीच में ये घना टापू है जिस पर ये जंगल टाइप से है, तो देख रहे हैं कि आगे जाकर के क्या मतलब है यहाँ पर, नदी कहाँ से है, और घास फूस है, बड़ी बड़ी सी घास उगी हुई है यहाँ, तो ऐसा कुछ नज़ारा है दोस्तों। कचला घाट कासगंज का बैक कैमरे से एक बार व्यू दिखा देता हूं मैं आपको। ये इस तरीके की झाड़ी उगी हुई है यहाँ पे, और बहुत ही जल्दी गंगा माँ दिखाई देंगी आपको। ये बराबर में अगर आपको इधर दिखाना चाहूँ तो ये फिर से गंगा रिवर आप देख सकते हैं, बहुत बड़े एरिया में ये फैला हुआ है टापू। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा डीप पानी होगा यहाँ पर, एक और दूसरे किनारे पर अब हम आ गए हैं गंगा रिवर के। ओहो पूरा दलदल टाइप से हो रखा है, जहाँ पर आप पैर रखोगे तो डूबते चले जाओगे, ये है वाओ बहुत ही शानदार ये नज़ारा है यहाँ का। ये पूरी गंगा रिवर,
और ये घाट है। पैर रखते ही पैर पूरा अंदर धस जा रहा है। कैसा लग रहा है दोस्तों? बिल्कुल दलदल की सी महसूस हो रही है। कैसा लग रहा है भैया? ओ ओ ओ ओ बचाओ, इनको तैरना आता है तो ये हमको दिखा रहे हैं, ये डूब नहीं सकते लेकिन हम इसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि पता नहीं कहां से कितना गहरा है। तो ये है शानदार लोकेशन, बनी तेज आनंद लेते हुए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बहुत ही शानदार लोकेशन वाली वीडियो। तो आई होप हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया, आपने भी इस वीडियो को, इस लोकेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। ऐसे ही और भी ढेर सारे वीडियोस अब इस पर रेगुलर बेसिस पर आने वाले हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बहुत ही शानदार लोकेशन वाली वीडियो। तो आई होप हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया, आपने भी इस वीडियो को, इस लोकेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। ऐसे ही और भी ढेर सारे वीडियोस अब इस पर रेगुलर बेसिस पर आने वाले हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।